प्रशांत किशोर जो है वो सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ इस ग्राउंड के अंदर देखा जा रहा है। 30 साल हम सिर्फ धर्म और राजनीति और परिवारवाद में फंसे रहे। 2025 में व्यवस्था परिवर्तन होगा, जनसुराज सरकार बनेगी और स्वच्छ सुंदर खुशहाल बिहार होगा, विकसित बिहार होगा। आप देख रहे हैं अनुपा एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ योगेश्वर पासवान। देखिए इस वक्त हम पटना में हैं और पटना की वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड से आप लोगों को खबर दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जनसुराज जो अभियान था आज वो एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी के रूप में परिणत हो रही है। इसी विषय में हम बात करेंगे। सर आप भी आए हैं आज जनसुराज कार्यकर्ता के द्वारा, देख रहे हैं यहाँ हजारों की भीड़ है यहाँ पे, आखिर किस लिए? देखिये मेरा नाम लोकेश मिश्रा है और मैं दुबई से चलकर आया हूँ। दुबई से आया हूँ और सिर्फ बिहार को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि पिछले 30 साल हम सिर्फ धर्म और राजनीति और परिवारवाद में फंसे रहे। उससे उठकर हमने कभी अपनी सत्ता समाज सुधार के बारे में कभी कुछ भी नहीं किया। पहली बार प्रशांत किशोर जो है वो सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब तक तो संगठन था लेकिन आप एक राजनीतिक पार्टियां बन रही है, कितनी खुशी है? बहुत ही हर्ष उल्लास है। अगर कुछ बदलाव बिहार में लाना है तो अगर आप पावर में नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बिहार में दो बड़े दल है, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी। देखिए यहाँ पे किस तरह से कहाँ से चलता है, सुपौल से आए हम लोग। जब सुराज जो अभियान है आज राजनीतिक पार्टी बन रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मुझे पूरा विश्वास हो गया जो बिहार में 2025 में व्यवस्था परिवर्तन होगा, जनसुराज सरकार बनेगी और स्वच्छ सुंदर खुशहाल बिहार होगा, विकसित बिहार होगा। हजारों की भीड़ है यहाँ पे, क्या लगता है कि 25 में ये भीड़ जो है? ये तो केवल हजार की भीड़ है, अगर पूरा आमंत्रण देता तो 1 करोड़ की भीड़ होता। लालू नीतीश एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के लिए, क्या लगता है? राजद का सुपड़ा साहब कहीं दिखाई नहीं देगा, देख लीजिएगा। देखिए जनसुराज के कार्यकर्ता में जुनून है, खासा जुनून देखा जा रहा है। हालांकि आज पार्टी की स्थापना है और स्थापना को लेकर के बिहार के अलग अलग जिले भर से यहाँ लोग आए हैं और यहाँ पे जहाँ तक देख पा रहे हैं कि करीब 20 से 25 हजार की भीड़ है। और प्रशांत किशोर जी यही कुछ देर के बाद आने वाले हैं, ये आपको खबर हम दिखा रहे हैं पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से, जहाँ पे आज जनसुराज जो अभियान है वो आप एक राजनीतिक दल बनने जा रही है। यहाँ पे देखिए जैसा कि काफी संख्या में भीड़ इस ग्राउंड के अंदर देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, जो उसकी मुहिम है, उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ हैं। तो फिलहाल 2025 के चुनाव में देखना लाजमी होगा कि प्रशांत किशोर के साथ जो भीड़, जो कारवा बन रहा है, ये कितनी मजबूत साबित 2025 के विधानसभा चुनाव में होता है। क्या बिहार में जो छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, ये तमाम पार्टियों को अकेले प्रशांत किशोर कैसे चुनौती दे पाएगी? क्योंकि 25 का चुनाव प्रशांत किशोर बिना किसी गठबंधन के, आप कहाँ से आए चल रहे? और क्या कारण है कि इतनी सारी महिला जो है प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं? इसका कारण पहला तो ये है कि प्रशांत किशोर जी खुद किंग मेकर हैं और आप सभी उनके बारे में जान रहे होंगे कि आज उन्होंने पार्टियों को बनाया है, तो आज उन्हें आना चाहिए और यहाँ लाखों की संख्या में आप लोगों को देख रहे हैं, तो उनका प्यार है, उनका काम है, ये काम बोलता है तभी यहाँ पर भीड़ आई है। प्रशांत किशोर जी से इतनी उम्मीद क्यों? क्या लगता है प्रशांत किशोर जब राजनीति में आएगी या सरकार इनकी बनेगी तो बिहार में जितनी भी जन समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, या महंगाई बेरोजगारी की हो, इसको दूर करने में कामयाब होंगे प्रशांत? आप बिल्कुल होंगे, क्योंकि आज आप और भी पार्टियों को देख रहे हैं। आज हमारे सीएम नीतीश कुमार जी आज वो काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका काम दिख रहा है, मगर आप देख रहे हैं कितनी सारी पुल बन रही है, वो दिखावे की पुल है और वो टूट भी रही है। आज जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको आप देखेंगे। महिला किस उम्मीद में प्रशांत किशोर को अपना नेता बनाएंगे? महिला किस उम्मीद में प्रशांत किशोर के साथ आ रही है? महिलाएं ये सोच रही हैं कि हम चूंकि नए सोच के साथ प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, युवा शक्ति और महिला शक्ति को लेकर चल रहे हैं, तो ये बिहार में एक नया एक लहर आया है, इसकी वजह से लोगों को एक उम्मीद लगा है, उम्मीद जगी है महिलाओं को। इस भीड़ का कितना फायदा मिलेगा 2025 में?
इस भीड़ का कितना फायदा मिलेगा 2025? हाँ बिल्कुल, इतने महिला इतने मतलब एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए कि नया एक सरकार आएगी तो बिल्कुल नया माहौल बनेगा, बिना भय मुक्त माहौल बनेगा, महिला खुल के सामने आएंगी, या इधर पॉलिटिक्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, घरेलू उद्योग हो, इसके लिए महिलाएं जो है पूरा आएंगी और इसका फायदा 2025 में हम लोग को दिखेगा कि महिला काफी आगे आएंगी इस चीज में, इस फील्ड में। परिवर्तन बिहार में होने वाला है, परिवर्तन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, और खासकर महिलाओं का नेतृत्व आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। आप कहाँ से चल कर? मैं तो पाटलिपुत्र कॉलोनी से आई हूँ, पटना। तो जो महिला घर में रहना पसंद करते थे वो प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं, आखिर क्या कारण? कारण वही है, बदलाव। हर किसी को बदलाव चाहिए और महिलाएं चाहती है कि हमें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम खुलकर आगे आए, सामने आए और अपना नेतृत्व दिखाए कि हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं।